स्थानीय लघु सचिवालय रोहतक में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष प्रदर्शन किया। आज लघु सचिवालय में अखिल भारतीय किसान सभा जिला अध्यक्ष प्रीत सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसान वहां पर पहुंचे। उन्होंने बेमौसम हुई बरसात से फसल खराब को लेकर सरकार से मुआवजे की मांग की। प्रीत सिंह ने बताया कि बेमौसम बरसात के चलते खेतों में पानी इकट्ठा हो गया है और फसल पीली पड़ गई है, जिसके चलते सारी फसल बर्बाद हो गई है। सरकार को किसानों के साथ हमदर्दी दिखानी चाहिए और खराब फसल की गिरदावरी करवा किसानों को उचित मुआवजा देना चाहिए। वहीं खट्टर सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष खराब हुई फसल का मुआवजा भी अभी तक किसानों के खातों में नहीं आया है। सरकार किसानों के साथ भेदभाव कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि 12,000 रुपये एकड़ की जगह 15,000 रुपये एकड़ मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन आज तक किसी भी किसान के खाते में एक भी पैसा नहीं पहुंचा है और हजारों एकड़ फसल पानी में डूबी हुई है। पानी निकासी का भी कोई प्रबंध नहीं है। ये जो बारिश हुई है इस हफ्ते में, इसने पूरी तरह जो किसाना की फसल थी, चाहे उसमें सब्जी है, सरसम है और धान गेहूँ है, गेहूँ चार चार अंगल के पानी एक एक फुट खड़ा है, उनका पत्ते तक नहीं दिख रहा। कल भी हम कई गामा में गए थे, देख आए थे, सिर्फ डोड़ा के ऊपर का पानी है। वो गेहूँ बचेगा क्योंकि इसलिए ये कई गामा के जो किसान आ रहे हैं और भी आने लाग रहे हैं, जिनका बहुत बड़ा नुकसान है। कुछ किसान वहाँ तहसीलदार के पास गए हैं सांपला, बुरी हालत है। सरकार ने स्पेशल गिरदावरी करवा के पहले तो फौरी तौर पर इनका पानी का प्रबंध करना चाहिए, जितने बचाए जाएं उतने बचें, बाकी की स्पेशल गिरदावरी करवा के इनको मुआवजा देना चाहिए। पाछला भी जो धाना का बाजरे का बाड़ी का नुकसान था, उसका भी एक पीसा किसाना का अब तक नहीं आ लिया है। या 30 तारीख गई लास्ट डेट थी आगी वहाँ की, ये हजारों में हजारा एकड़ जमीन खाली पड़ी है, जिसमें बिजाई नहीं हुई, धान भी माए खड़े हैं, बाड़ी भी माए खड़ी है, वह नहीं कट पा रही भी, दो दो तीन तीन फटून गमा पानी खड़ा है। तो हमारी मांग ये है कि वो उसकी भी खाली जमीन की भी गिरदावरी करवाई जाए। और मुख्यमंत्री ने ये कहा था 12 की जगह हम 15,000 एकड़ के देवांगे, अब तक लेटर नहीं आ लिया है, कई महीने की बात होली हुए, मौखिक नहीं चलता, अखबार में टीवी पे बयान आ जा बताने का फायदा के हुआ। कंपनी ने गठन ही नहीं दे लिया, पीछे किसान अपने गोज ते भर रहा है, वो है फसल खराब हो रही है, झज्जर में मुआवजा कंपनियां का बटन लाग रहा है, 5,80,00,000 रुपया लिए और जनवरी ने मैं हिसाब कर देंगे। अरे एक आना नहीं है बिल्कुल, ये कंपनी वाले भी आँख नीचे बैठे हैं किसाना की तरफ से, किसान रुपये कटवा रहे हैं अपनी गोजते, और सरकार भी आँख मूंद रही है और मैं में भी आँख मूंद रही है।